नमस्कार, प्रथम खबर को आपन को स्वागत करूछु। मु स्मृति लग्ना, प्रथम हेडलाइंस। अति भयंकर रूप नहीं माड़ आसुची यस, आज ने बात्यार रूप। 190 किलोमीटर बेगरे बही पारे पवन, 26 संध्यारे पारादीप और सागर द्वीप मध्य कर अतिक्रम। राज्य 8 जिले में प्रबल वर्षा संभावना। बात्या मुकाबला एनडीआरएफ, ओड्राफ, अग्निशम बाहिनी प्रस्तुत। जनभागीदारी ने बात्या को सामना करने प्रस्तुत होती लोके। ग्राउंड जीरो रे अर्गस। एकुश बैश आर्थिक वर्ष में पीएम आवास योजन ओडिशा को मिली 8,17,000 पक्का घर। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देले धर्मेन्द्र, ट्वीट कर कहले मुंड उपरे पक्का छात दे मोदी आनिछन्ति परिवर्तन। ओडिशार 8 जिले में पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट प्रतिष्ठा पर अनुमोदन। प्रधानमंत्री व केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद जनइले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। कोविड 19 विरोधी लड़े को सशक्त करने आह्वान। एसआरसी खोलीदे पक्का घर गुमर, बात्या को ना डर मुंड पक्का घर पलटि खाली स्लोगान। धरा पड़गला पंचायतीराज मंत्री मिछ प्रचार, फाइलिंग फोनी गला पर भी पक्का घर पलटि स्वप्न। एवं पश्चिमबंग अशांत, आरएसएस अभियोग ममता सरकार को द्वारा हिंदू मानक आक्रमण। पश्चिमबंग आज पलटि द्वितीय काश्मीर, जनजागरण सृष्टि आह्वान। एबे संपूर्ण खबर को आसवा, बात्या आसुची भय बढ़ुची, केते बेगरे पवन बहिब, क्यों स्थान रे करिबो लैंडफॉल, एमिती अनेक प्रश्न मन को खारुची। बुलेटिन आरंभ करिबा बात्या संपर्कित खबर। गभीर अवपात रे परिणत होईची बात्या। आज नेब बात्यार रूप। गत 6 घंटा हेब बात्या यस 4 किलोमीटर बेगरे अति करुछि। वर्तमान बात्या दक्षिण दक्षिण पूर्व पारादीप ठारु 540 किलोमीटर दूर रे रहिछि। दक्षिण दक्षिण पूर्व बालेश्वर ठारु 650 एवं दक्षिण दक्षिण पूर्व दीघा ठारु 630 किलोमीटर दूर रे रहिछि। यहा उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करि आज साइक्लोनिक स्टॉर्म रे रूप नेब। परवर्ती 24 घंटे वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत हेबो। 26 तारीख संध्या रे बात्या पारादीप एवं सागर द्वीप भितर करिबो लैंडफॉल। लैंडफॉल बेलकु पवन रो वेग 160 रु 170 किलोमीटर रहिबो। यहा वृद्धि पाई 190 किलोमीटर होई पारे। बात्यार प्रभाव जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर बेसी मात्रा रे पड़िबो। भुवनेश्वर मध्य यहार प्रभाव देखा मिलिब। आसंता काली ठारु आरंभ होइजिबो वर्षा। बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। सेभळे भाबरे 26 तारीख में बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, मयूरभंज, जगतसिंहपुर, कटक, जाजपुर, केन्दुझर जिले में प्रबल वर्षा होने पूर्वानुमान करिछि पाणिपाग केन्द्र। सेपटे बात्यार मुकाबला एनडीआरएफ, ओड्राफ, अग्निशम बाहिनी प्रस्तुत हो रही है। आधुनिक जंत्रपाति सहित प्रभावित जिला को अद्यावधि 22 एनडीआरएफ टीम पठा जाइथवा सूचना मिलिछि। ए बाबद्र अधिक सूचना पाई सीधा सड़क पारादीप प्रतिनिधि विश्वजित आम सहित तो जोड़ी होती। विश्वजित, जहां सूचना रोचे जे पारादीप रे बात्या यस लैंडफॉल करिबो, कौन प्रभाव रहिबो विशेष भाव रे पारादीप उपरे, ताकु नेके लोकों को मनरे छनका निश्चय पसिथिबो? एक भयर वातावरण रही, गोटे पटे कोरोनार भय थिला, एबे बात्यार भय, बात्या यस्र भय। आपण आम एबे अछू
पारादीप्र नुआ बजार एक आमर परिवा मार्केट अच्छे सेठी अच्छा लोक मैंने देखिपे आप भिड़ रही बात्या पूर्वर खाद्य जिनस सब घर को नेपाई से भिड़ बढ़िवार लगी बर्तमान यही मार्केट छटार आरंभ होता है और धीरे धीरे लोकों संख्या बढ़िवार लगी जी कोरोना आ बात्यार भय ना से खाद्यर भय रही का खाद्य अभाव रहीपाई खाद्य महजूद करने भिड़ देखापी मिली किसी स्थानीय किसी अच्छा विक्रेता और क्रेता अच्छा आम से पचारि बुझा केते दूर से बात्या सजग अच्छा एवं आज जो कोरोना को न माने माने जो आज आसीचन जो मार्केट को जो खाद्य खाद्यर भोक आगे जो कोरोना को मध्य बळी पड़गला जो सेटा में पचारि बुझा किसी लोक अच्छा आमर जड़े विक्रेता अच्छा पचारि बुझा केते दूर से बात्या प्रस्तुत अच्छा एवं आज जो व्यवसाय हूँ एक बारटा पर्यटन तक अनुमति मिली से विषय कौन कहे केते दूर आप बात्या को नहीं प्रस्तुत अच्छा हाँ आज्ञा आम तो प्रस्तुत अच्छा आम व्यवसाय करके एगारटा भितर सार देखिए पड़े बोली चिंता कर भिड़ आप तो भिड़ सर बात्या भिड़ रोच आम कौन कर लोक मैंने केमी शीघ्र शीघ्र पलैबे आम भी केमी दे कि पलू आम से प्रस्तुत होकर अच्छा आगर आज्ञा 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 जहाँ जन विक्रेता कहते जे आम प्रस्तुत अच्छा आते शीघ्र ये व्यवसाय सर आम से शीघ्र घर को जीव से लोकों भिड़ धीरे धीरे बढ़ुची आदि आश्रयस्थल जो भी स्थान निरूपण कराई आम से यथाशीघ्र बात्या आसवा पूर्व आम चलीजु आई प्रक्रियाकरण स्थानांतरण विश्वजीत के समय शेष होली कह कारण हाथ में आज खूब अल्प समय अच्छी एभली भितर लोक मानू यथाशीघ्र बात्या आश्रयस्थल को नेबा ता सहित ता पूर्वरु टेस्टिंग कोरोना टेस्टिंग बोली सूचना रुचि सामाजिक दूरता एक बड़ चैलेंज रुचि पूरा प्रक्रिया के समय शेष हो कौन टार्गेट लाइन रखा जा स्मृति रखा आज संध्या सुधा जहाँ प्रशासन पक्ष कहला आज संध्या सुधा समस्त प्रक्रिया शेष करने टेस्टिंग हो जहाँ सब आनुषंगिक व्यवस्था अच्छी सब व्यवस्था आज संध्या सुधा शेष करने प्रशासन पक्ष द्वितीय रहा जो कोरोना गाइडलाइन को मानिकी जो लोक स्थानांतरण प्रक्रिया जो पाँच सौ लोक रहा कथा से अति निम्न अति कम्रे दुई सौ एवं दुई सौ तलकू लोक रहिबार व्यवस्था मध्य कराई आउ जो खाद्य हो पानी जल हो लाइट हो एटा व्यवस्था एबे करा जाउची धीरे धीरे व्यवस्था करा जाउची आउ विद्युत विभाग आउ जल विभाग मध्ये तागिद करा जायची जे जेपरि भावे कोनोसी असुविधा न हुए पानी रो किंबा विद्युत रो बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत समस्त सूचना पाई विश्वजीत जो भाव में कहते हैं पारादीप देखुं किड़ जमी लोक मैंने अत्यावश्यक सामग्री जहाँ रोचे राशन कथा कहतु बा पनीपरिया कथा कहतु घर को लेकिन जाऊँच कारण बात्यार भय खारिज प्रथम कहला यह बालेश्वर में लैंडफल करु वर्तमान जहाँ सूचना रोचे जे 190 किलोमीटर बेगरे पवन बहब राज्यर 8 जिले प्रबल वर्षा संभावना एवं जहाँ सूचना रोचे जे 4 किलोमीटर बेगरे वर्तमान गति करुछि यस ता सहित पारादीप पाखरे लैंडफॉल करिबो तेणु पारादीप आपण ग्राउंड जीरो रु अधिक चित्र देखुले वर्तमान भद्रक प्रतिनिधि दीप्ति पाखक जावा दीप्ति कहुच्छे बालेश्वर एवं भद्रक प्रति अधिक प्रभाव रड़शार बाकी जिला मानक अपेक्षा बालेश्वर एवं भद्रक लोक अधिक प्रभावित तो हे प्रस्तुति जिले में कमती रही भद्रक आम तेज समस्त प्रकार दीप्ति आपण सुनी पारुछंती हेलो ओके दीप्ति सहित जोगाजोग विच्छिन्न होइछि परवर्ती बुलेटिन आम चेष्टा करिबु दीप्ति सहित जोड़ी हेबा पई एवं आपनकु खबर बाबद अधिक अपडेट करिबा पई
बात्या यश्र मुकाबला करने जनता मध्य अंटा भिड़ी जनभागीदारी ए महामुकाबला संभव हो सहित विपर्जय मुकाबला करने राज्य सरकार पूरापूरी प्रस्तुत बोली कहते अपरपक्ष लोकों भितर छनका पशि कारण गोटे पटे बड़ विपद दे मनीष समाज गति करोना द्वितीय जिते बात्यार कथा सामना को आसुची आउ एक विपदर कथा सामना को आसुची मनरे भय संचार होगा स्वाभाविक तथापि लोक मैंने बजार को आज जा एगारटा बारटा सुधा जहाँ जहाँ अत्यावश्यक सामग्री नहीं कि घर को पलाऊ सहित व्यवसायी मैंने शीघ्र बांधि बुंधि सब बिक्री कर सारा पर घर को फेर तैयारी करे हूँ सका दृश्य जहाँ आप देखिपुर बात्या यश्र मुकाबला आगे आसता जनभागीदारी महामुकाबला आरंभ हो प्रस्तुति केउंटी लोक चाष जमीर धान अमल करिबारे व्यस्त तो आउ केउंटी चाल छपर घर लोक मानू बात्या आश्रयस्थल को स्थानांतर विभिन्न स्थान में बात्या आश्रयस्थल गुड़िक प्रस्तुत रखाई स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और लोक मान स्थानांतर कर पूरा प्रक्रिया आरंभ कर वर्ष जाकर परिश्रम को साउंटा को प्रयास करी चाषी ए दृश्य होची बांकी सिमिलीपुर पंचायत करबर गाँवर डाल धान अमल होबार समय हो बाध्य धान अमल करुची बात्यार हेक्टर हेक्टर धान नष्ट आशंका करी चाषी यही उपाय अपणई बर्तमान लोक मैंने जहाँ जमी सचेतन बर्तमान निजर किसी कार्य करें फसल फसल करें संपादे व्यस्त किसी तो फसल फसल किसी धान भी उदा बिलुन जाए शुखिल जहाँ हम आम कर बात्यार मुकाबला जनभागीदारी आरंभ हो प्रस्तुति ए दृश्य हूँ महाकालपड़ार नजर पकातु यही चाल छपर घर उपर अनुमान करूँ जदि पवन रेग 160 किलोमीटर उपरक बहे तेरे कौन हेबो ये घर अवस्था घर चारिपटे नदी रोथबारु लोकों मनरे भय रही बसवास करुवा लोक मान बात्या आश्रयस्थल को नेबापाई अंटा भिड़ी स्थानीय बासिंदा आम मैंने सब सजग अच्छा जिते सब कच्चा घर अच्छा गाँव में सब बात्याश्रयस्थल नहीं जाऊँ खाया पीवा सब व्यवस्था कराऊ बात्या पक्का घर अच्छी घर को आम जाऊ आम रेडक्रस जो अच्छी से रेड क्रॉस को नहले पड़ो आउ बात्या आसला घर फर सब चाल घर सब रहे ए दृश्य हूँ केन्द्रापड़ा जिला गोरखपुर ब्लक्र कुदानगरी बात्या आश्रयस्थल एवं यह प्रस्तुत रखाई लोकों एठाक स्थानातर पर स्थानीय सरपंच दायित्व नहीं गठ गुट जार घर पर पाखे अच्छे से आम सब पाख आश्रयस्थल स्थानातर करने आमर चाड़ घर मटी घर रो कचा घर रो लोक कमी स्थानातर कर खाद्यपेयर असुविधा नहब एवं स्वास्थ्यगत असुविधा नहब से आम सतचेषा करने चेष्टा कर प्रशासन प्रस्तुति भितर सबुठ गुरुत्वपूर्ण दायित्व तुलाइबा जाऊँच जनता प्रभावित होगा अंचल लोकों भागीदारी जाऊँगी महामुकाबला ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज बात्या बाबद अधिक अपडेट जानवापी आम प्रतिनिधि संतोष वर्तमान समय सहित सीधासल जोड़ी होती संतोष राज्य सरकार पूरापूरी प्रस्तुत अच्छा गोटे पटे कोरोना अन्य पक्ष जी आम देखा बात्यार भय तो वर्तमान परिस्थिति रे केमती देखती पूरा स्थित को देखते निश्चित स्मृतिलग्ना वर्तमान समय पारादीप धामरा ता सहित चांदीपुर एवं आउ गोटे पटे भोगराई एभली किसी जगार वर्तमान स्थानीय बासिंदा समस्त भयभीत अच्छा आमे आपण को वर्तमान समुद्र कूल किसी दृश्य देखा चाहिए कैमेरा पर्सन को हेमंत को कह कि दृश्य देखा चाहिए कहीं जो स्थान में पानी उच्चता जीत निहाती भाव में बात्या प्रभाव में ता धीरे धीरे बढ़ुच्च आशंका कराऊ धामरा बंदर पाखे समुद्र कूलवर्ती जो अंचल लोक मैंने अच्छा से मानकर स्थिति आम कल जो ग्राउंड जीरो को जाइलु से देखल जे लोक मैंने निजे व्यक्तिगत स्तर से रेड क्रॉस को जी अर्थात बात्या आश्रयस्थल किभली भाव में ठीक हो पार कहीं वर्तमान समय दुई दुईट चैलेंज लोकों पाखे अच्छी गोटे पटे बात्यार मुकाबला आउ गोटे पटे कोरोना महामारी भाई महामारी दूरे रहा
ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ତା ସହିତ ସାନିଟାଇଜ୍, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି। ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ମାଛ ଧରାଳିମାନେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତିନି, ରହିଯାଆନ୍ତି, ଏଥର କିନ୍ତୁ NDRF ପୋଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପୁରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। କିଏ ବି ଯଦି ଅମାନିଆ ଯାଇଛି ତାକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବା, ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ସକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହିଁ ବାତ୍ୟା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ରୂପ ନେବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କିଛି ଅନୁଭବ ହେଉନି, ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏବଂ IMDDGଙ୍କର ଯାହା ଆକଳନ ରହୁଛି ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜିଠୁ ପାଖାପାଖି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏବଂ SRCଙ୍କର ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଝଟକା ପବନ ଲାଗିବ, ଏ ଝଟକା ପବନ ପାଖାପାଖି 185-190 କିଲୋମିଟର ପବନର ବେଗ ଛୁଇଁବ, ଏବଂ 25 ଦିନ ଯଦି କଥା କହିବା 120-150 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବା ବେଗ ହେବ। ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ରହିବ, ଏଠି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଯେହେତୁ ଝଟକା ପବନ 185-190 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଜିବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ଏବଂ କଚ୍ଚା ଘର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବ। ବିପଦ ଟଳି ଯାଉ, ଲୋକମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି, ଯେଉଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି ସେ ଭିତରେ ଭଦ୍ରକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭଦ୍ରକରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବାତ୍ୟା ୟଶର, କ'ଣ ଅପଡେଟ? ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ବାତ୍ୟା ୟଶକୁ ନେଇକି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ତାର ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା। ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ ଭଦ୍ରକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ପ୍ରଶାସନ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସୂଚନା ଦେବି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେପରି ଭାବରେ SRC ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ବାସୁଦେବପୁର, ଧାମରା ଏବଂ ଚାନ୍ଦପାଲି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି 3-4 ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଜର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯଦି କହି ରଖିବି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 700 ପାଖାପାଖି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ 4 NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକକୁ ନିୟୋଜିତ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଯୁବ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଇଏ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇକି ସଚେତନତା କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭଦ୍ରକ ସୁରକ୍ଷା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାଳ ଛପର ଘରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସତର୍କ କରୁଛୁ। ଗତକାଲି ବି ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିବୁ। କିଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଠି ନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଚେତନ କରିବୁ। ତେବେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଇଏସ୍ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ସଚେତନ କିପରି ଭାବରେ ହେବେ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ, କେଉଁଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ପରିବାରକୁ ନେଇକି ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ତାକୁ ସେଇଠି ନେଇଛୁ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବରଂ ବି ଆମେ ଖିଚୁଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସେଇଟା ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛି ଚାଳ ଛପର ଘରେ, ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ନଈକୂଳରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତି ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଓ ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 21-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର 8.17 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 21-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର 8.17 ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ 61.84 ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ନିଜ ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେ। କରୋନାର ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେଇପାରୁଛି।
प्रधानमंत्री आवास योजन देशर कोण अनुकोण में गरीबों मुंड उपरे पक्का छात दे प्रधानमंत्री सेमानंकर जीवन रे परिवर्तन आणिबा सह तांकर सम्मान को सुनिश्चित करिसेंथु बोली केंद्र मंत्री कहिछि। कोविड 19 रोगी को जरूरीकालीन सेवा जोगाइबा केन्द्र पेट्रोलियम मंत्रालय पीएसयू ओडिशार सातटी स्थान में ऑक्सीजन प्लांट प्रतिष्ठा करुछि। बरगढ़ खोर्धा नवरंगपुर नुआपड़ा पुरी संबलपुर राउरकेला पीएसए ऑक्सीजन प्लांट प्रतिष्ठा करुछि। तबे ढेंकानाल गजपति गंजाम जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा मयूरभंज रायगढ़ जिले में पीएसए प्लांट प्रतिष्ठा प्रतिश्रुति देथिबार स्वास्थ्यमंत्री हर्षवर्धन को धन्यवाद जनाइछन्ति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। ओडिशार प्रत्येक जिले में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापना करने स्वास्थ्यमंत्री हस्तक्षेप लोड़े धर्मेन्द्र। ओडिशार प्रत्येक जिले में कैप्टिव मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट प्रतिष्ठा हेले राज्यर कोविड 19 विरोधी लड़ई को सशक्त करने स्वास्थ्य आह्वान गुड़ी मुकाबला करने राज्य को प्रतिश्रुति प्रस्तुत रखी केन्द्रमंत्री ट्वीट करते भाव में पीएम केयर्स फंड पुणे ओडिशार 8 जिले में पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट प्रतिष्ठा करने अनुमोदन देथिबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्र स्वास्थ्यमंत्री को धर्मेन्द्र प्रधान धन्यवाद जनाइछन्ति। राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्धि को गति देवाई तथा महामारी मुकाबलें राज्य सरकार को सहयोग करने पूर्व भारत सरकार द्वारा पीएम केयर्स फंड अनुगुल जाजपुर कलाहांडी कंधमाल केन्दुझर मलकानगिरी सुंदरगढ़ जिले में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट प्रतिष्ठा कर। समय बुलेटिन को इट रखा। नमस्कार।